हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विकास और आज हम एक सॉन्ग सीखेंगे जिसका नाम है कैसे हुआ। कबीर सिंह मूवी का सॉन्ग है ये, तो इसके आज हम टैब्स प्ले करना सीखेंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेसन शुरू करते हैं। तो ठीक है, मैं इसके टैब्स आपको स्क्रीन पर देते रहूँगा, साथ साथ आपको समझाते भी रहूँगा कौन सा कहाँ पे प्ले हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर थर्ड ऐसे बोलूँ, थर्ड स्ट्रिंग पे सेवन, तो सेवन का मतलब सेवन फ्रेट, फोर्थ का मतलब फोर्थ फ्रेट, ऐसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो प्ले करना होगा वो हंसता रहता हूँ से चालू होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये क्या प्ले होगा, सेवन फोर सेवन फोर सेवन, फिर हल्के से पॉज किया, सेवन फोर सेवन, थर्ड स्ट्रिंग पे है पूरा, सेवन फोर सेवन फोर सेवन, फिर सेवन फोर सेवन। ठीक है, आगे तुझसे मिलकर क्यों, ये भी सेम ही है, सेवन फोर सेवन फोर सेवन, सेवन फोर सेवन, सेवन फोर सेवन फोर सेवन, फिर हल्के से पॉज के बाद सेवन फोर सेवन। ठीक है, इसके आगे आजकल वो कुछ ऐसा होगा, इसमें क्या हो रहा है, पहले थर्ड स्ट्रिंग पे है सिक्स फोर, फिर फोर्थ स्ट्रिंग पे सेवन। तो मैं इन तीनों को एक बार स्लो प्ले कर देता हूँ साथ में। ठीक है, इतना हो गया। फिर आगे बदले बदले हैं मेरे तेवर के आजकल, ये भी सेम रिपीट ही है, सेवन फोर सेवन फोर सेवन, सेवन फोर सेवन, बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल, सेम। ठीक है, ये सेम रिपीट ही था स्टार्टिंग का जो है, तो आप टेस्ट भी साथ साथ देखते रहिएगा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो। इसके आगे आएगा आंखें मेरी हर जगह, ये ऐसे स्टार्ट होगा। पहले आंखें मेरी, ये होगा थर्ड स्ट्रिंग पे, पहले फोर सिक्स सेवन फोर, आंखें मेरी होगी हर जगह, सेवन सिक्स थर्ड स्ट्रिंग पे, फिर फोर्थ स्ट्रिंग पे सेवन। एक बार स्लो देखिए, पहले थर्ड स्ट्रिंग पे है आंखें मेरी, फोर सिक्स सेवन फोर, फिर हर जगह, ये थर्ड स्ट्रिंग पे होगा पहले, सेवन सिक्स, और फिर फोर्थ स्ट्रिंग पे सेवन। ढूंढे तुझे बेवजह, ये भी सेम ही है रिपीट, पहले थर्ड स्ट्रिंग पे फोर सिक्स सेवन फोर, फिर सेवन सिक्स, और फोर्थ स्ट्रिंग पे सेवन। फिर ये मैं हूँ या, ये होगा फोर सिक्स सेवन फोर, थर्ड स्ट्रिंग पे ही है, कोई और के लिए इस बार क्या करेंगे, सेम ही है बस फोर्थ वाला जो है उसको दो बार प्ले करेंगे। ठीक है, फोर वाला जो है उसको दो बार, फोर फोर सिक्स सेवन फोर। ठीक है, तो इन चारों को एक बार मैं स्टार्ट एक साथ प्ले कर देता हूँ, स्लो प्ले करता हूँ। अब आगे आएगा मेरी तरह, ये ऐसे होगा। ये होगा फोर सिक्स सेवन, ठीक है, थर्ड स्ट्रिंग पे रहेगा ये, फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे सेकंड स्ट्रिंग पे, फाइव से सेवन स्लाइड करेंगे और फिर वापस फाइव, और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग पे फाइव। इसको स्लो देखिए, पहले होगा फोर सिक्स सेवन, ये थर्ड स्ट्रिंग पे, उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग पे आएगा, फाइव से सेवन स्लाइड। स्लाइड में क्या करना होता है, जैसे फाइव पे रखी है फिंगर, इस पे प्ले करना है और साउंड को आगे लेते जाना है। एक और बार देख लीजिए इसको, पहले थर्ड स्ट्रिंग पे होगा फोर सिक्स सेवन, फिर सेकेंड स्ट्रिंग पे फाइव से सेवन स्लाइड होगा और फिर वापस फाइव, और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग पे फाइव। ठीक है, अब इसके आगे मेन लाइन कैसे हुआ, ये होगा, कैसे हुआ के लिए क्या करना है,
योगर्ट, सेकंड स्ट्रिंग और 10th फ्रेट। तो 10 10, फिर 7 और फिर 3rd स्ट्रिंग पे 9, 10 10 7 और 9 होगा 3rd स्ट्रिंग पे। ये कैसे हुआ? अब आगे तू इतना जरूरी कैसे हुआ? ये होगा 3rd स्ट्रिंग पे 7 से, 7 7 9 7, फिर 9, इसको एक बार थोड़ा समझिएगा। 3rd स्ट्रिंग पे चालू होगा, ये पहले होगा 7 7 9 7, फिर हल्के से पॉज के बाद 3rd स्ट्रिंग पे 9, सेकंड स्ट्रिंग पे 7 8 7, फिर वापस 3rd स्ट्रिंग पे 9 7 7 6 और 4th स्ट्रिंग पे 7। ठीक है, इसको स्लो प्ले कर देता हूँ मैं, आप उसमें देख लीजिएगा पूरे को, मैं एक बार कैसे वो से स्लो प्ले कर देता हूँ। ठीक है, फिर वापस यही रिपीट होता है। इस बार जो दूसरा कैसे हुआ है उसमें थोड़ा सा ये आता है। इसमें क्या करना होगा, पहले 10 प्ले करेंगे, फिर दूसरा जो नोट प्ले करेंगे उसको 10 से 12 स्लाइड कर देंगे। ठीक है, बाकी सेम ही है पूरा। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे आएगा मैं बारिश की बोली। तो ये स्टार्ट होगा 4th फ्रेट और 4th स्ट्रिंग। ठीक है, पहले 4th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, फिर आएंगे 3rd स्ट्रिंग पे, इस पे होगा 7 6 7, फिर 6 7 6 7, मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, पहले मैं बारिश की बोली बता देता हूँ। मैं बारिश की बोली स्टार्ट होगा 4th स्ट्रिंग और 4th फ्रेट 4, फिर उसके बाद 3rd स्ट्रिंग पे आ जाएंगे इस पे 7 6 7, फिर की बोली 6 7 6 7, फिर समझता नहीं था इसमें भी यही है 6 7 6 7 6 7 6 7। इसको मैं स्लो प्ले कर देता हूँ, उससे देखिए। ठीक है, इतना हो गया। फिर हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, पहले हवाओं से मैं यूं, उसके लिए क्या होगा 6 6 4 6, फिर 4 6 4 6, उलझता नहीं था भी ऐसे ही है 4 6 4 6 4 6 4 6। इसको भी मैं एक बार स्लो प्ले कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। फिर है सीने में दिल भी, ये होगा 3rd स्ट्रिंग पे 2 4 2 4, फिर 3rd स्ट्रिंग पे 2, फिर 4th स्ट्रिंग पे आ जाएंगे 4 2 4। ठीक है, इसको स्लो प्ले करता हूँ, देखना। अब कहाँ थी मुझे ये खबर, ये स्टार्ट होगा 3rd स्ट्रिंग से 2 4, पहले 3rd स्ट्रिंग पे होगा 2 4 2 4। ठीक है, उसके बाद 3rd स्ट्रिंग पे ये 2 2 2 4, फिर 2nd स्ट्रिंग पे आ जाएंगे, इस पे होगा 2 प्ले करेंगे हैमर ऑन 3 और फिर पुल ऑफ होएगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो 2 2 4, ये 3rd स्ट्रिंग पे, फिर 2nd स्ट्रिंग पे 2 2 पे प्ले करेंगे, 3 पे हैमर ऑन ऑन पुल ऑफ, फिर वापस 3rd स्ट्रिंग पे 4 2 2, ऐसे प्ले होगा। मैं इन चारों पार्ट को एक बार साथ में प्ले कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, एक बार थोड़ा स्लो प्ले कर देता हूँ। Thank you.
है, इस तरीके से प्ले हुआ ये। फिर आगे का जो है, कहीं पे वो रातें कहीं पे सवेरे, सेम रिपीटेशन ही है इसका। मैं स्लो प्ले करता हूँ, आप उसी से देख लीजिए, सेम रिपीटेशन है। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या हाल हो गया है ये मेरा। ये होता है सबसे पहले होगा फोर्थ फ्रेट और फोर्थ स्ट्रिंग पे। फिर उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग पे आ जाएंगे, इस पे होगा टू 0 0 मतलब ओपन स्ट्रिंग। फिर सेकंड स्ट्रिंग पे 3 3 2, इसको ध्यान से देखिए, पहले होगा फोर्थ स्ट्रिंग पे और फोर्थ फ्रेट, एक नोट यहाँ पे। फिर उसके बाद सीधे आएंगे फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड फ्रेट 2 फिर 0 0, फर्स्ट स्ट्रिंग पे ही है। फिर सेकंड स्ट्रिंग पे आएंगे, इस पे होगा 3 3 2, फिर थर्ड स्ट्रिंग पे 4, फिर वापस सेकंड स्ट्रिंग पे 2 और 3 से 5 स्लाइड। इसको मैं स्लो प्ले करता हूँ, देखना। ठीक है, एक और बार देख लीजिए। ठीक है, फिर आप बाकी का आंखें मेरी हर जगह, ये सेम स्टार्टिंग का रिपीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा सॉन्ग प्ले हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं पूरे सॉन्ग के टैब्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉन्ग प्ले हुआ है, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता सकते हैं मुझे, मैं आपको जरूर उसका सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये हो गया लेसन हमारा, आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे जरूर प्ले हो जाएगा ये। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे आपको कैसा लगा, और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। साथ ही दोस्तों, अगर आप ऐसे ही इजी और लेटेस्ट गिटार लेसन्स की वीडियोस और देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।